हेलो दोस्तों, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। दोस्तों, सबसे पहले आपको उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। तो इसी के संबंध में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तराखंड के बारे में बताऊँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। जो आज हम स्टार्ट करें उत्तराखंड स्थापना दिवस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो हमें अपने स्टेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रदेश का नाम, प्रदेश का नाम क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। आज हमारे प्रदेश का नाम उत्तराखंड है, लेकिन जब हमारा प्रदेश 9 नवंबर 2000 को बना था, तो उस समय हमारे प्रदेश का नाम क्या था? उत्तरांचल। क्या था? उत्तरांचल। तो 31/12/2006 तक क्या क्या था? उत्तरांचल। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इसका नाम जो हमारा 1 जनवरी 2007 से क्या हुआ? उत्तराखंड हुआ। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। आप चलेंगे हम इसके आगे, ठीक है। अगर हम राजधानी की बात करें, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और एक राजधानी और बन गई है हमारी, गैंडसेन, ठीक है। तो दो राजधानियां हैं उत्तराखंड की, एक देहरादून हो गई, एक होगी हमारी गैंडसेन जो हाल ही में बनी है। उसके बाद अगर बात करें भारतीय गणतंत्र का उत्तराखंड कौन सा राज्य है, अगर भारतीय गणतंत्र के उत्तराखंड राज्य की बात करूं, तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य है यह भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है, ठीक है। यह भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे। तो हमारे जो उत्तराखंड राज्य है या हमारे भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। हिमालयी राज्य के क्रम में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड कौन सा राज्य, ठीक है, जो हमारा उत्तराखंड है हिमालयी राज्य है। तो इसके क्रम में हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, तो इसका क्रम कौन सा है कि हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड कौन सा राज्य है? इसका मतलब है कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य, तो इसके क्रम, इसका क्रम कौन सा है? तो अगर क्रम की बात करूं, तो 11वां क्रम जो है हिमालयी राज्य के क्रम में उत्तराखंड का 11वां क्रम है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें राज्य पशु, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए, राज्य पशु क्या है हमारा? कस्तूरी मृग, मस्क डियर, ठीक है। उसके बाद राज्य पक्षी की बात करूं, तो मोनाल राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। राज्य पुष्प की बात करूं, तो राज्य पुष्प हमारा ब्रह्म कमल। और राज्य वृक्ष की बात करूं, बुरांस। राज्य के फल की बात करूं, काफल। अगर राज्य की हम मिठाई की बात करें, मिष्ठान की बात करें, तो राज्य मिठाई हमारी बाल मिठाई, ठीक है, बाल मिठाई। अगर राज्य बाल मिठाई कहाँ फेमस है? अल्मोड़ा की बाल मिठाई फेमस है। अगर राज्य खेल की बात करूं, तो राज्य का खेल क्या हमारा? फुटबॉल। राज्य का खेल क्या हमारा? फुटबॉल। अगर राज्य के वाद्य यंत्र की बात करूं, तो राज्य का वाद्य यंत्र हमारा ढोल, ठीक है। क्या है राज्य का वाद्य यंत्र? क्या है हमारा राज्य का वाद्य यंत्र? क्या है? ढोल। अगर राज्य की चिन्ह की बात करूं, ठीक है, अगर राज्य की चिन्ह की बात करें, तो एक गोलाकार मुद्रा है जिसमें हमारा क्या है? तीन पर्वत की चोटियाँ हैं, तीन पर्वत की चोटियाँ हैं। उसके नीचे आपको क्या दिखाए होंगे? गंगा की लहरें अंकित होंगी, ठीक है। तो बीच की चोटी की में जो होगी अशोक की लाट हमारी अंकित होगी, ठीक है। ये था हमारा जो राज की चिन्ह है। उसके बाद बात करूं, तो प्रथम जो विधानसभा का सत्र लागू हुआ था, विधानसभा का प्रथम सत्र जो लागू हुआ था, तो वो कब हुआ था, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो 9 जून 2001 है, ठीक है, 9 जून 2001 से, शायद ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, सॉरी 9 जनवरी 2001 है ऑप्शन, ठीक है। 9 जनवरी 2001 जो है, 9 जून नहीं है, सॉरी 9 जनवरी 2001, 9 जनवरी 2001 से हमारा क्या होता, राज्य जो विधानसभा सत्र हुआ था वो लागू हुआ था। 9 जनवरी 2001 से हमारा प्रथम विधानसभा सत्र जो प्रथम बार लागू हुआ था
वो 9 जनवरी 2001 में लागू हुआ था। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ, ठीक है, जो उत्तराखंड विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ। सबसे पहली बात तो है कि देश का प्रथम है कि आपने एक वेबसाइट शुरू की थी, उत्तराखंड ने, जो देश का प्रथम राज्य है जिसने अपनी वेबसाइट शुरू की थी, ठीक है, ये गर्व की बात है। तो 4 मई 2001, 4 मई 2001 को राज्य ने, जो हमारी विधानसभा ने है, अपना वेबसाइट शुरू किया था। राज्य के गठन से पूर्व इस क्षेत्र की कुल विधानसभा सीटें थी। जब राज्य गठन हुआ था तो इससे पूर्व जो हमारी विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी, अगर राज्य गठन से पूर्व की बात करूं तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो राज्य गठन से पूर्व की बात करूं तो यहाँ पे कितनी सीटें थी आपकी राज्य गठन से पूर्व, तो राज्य गठन से पूर्व हमारी 22 सीटें, कुल 22 सीटें हमारी राज्य गठन से पूर्व थी, ठीक है, विधानसभा की जो 22 सीटें थी राज्य गठन से पूर्व थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप जानते हैं कुमाऊं के मंडल के बारे में, ठीक है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारे जो उत्तराखंड के मंडल की बात करें, ठीक है, जो उत्तराखंड डिवीज़न की बात करें, तो हमारा उत्तराखंड डिवीज़न कितने डिवीज़न है, 2 डिवीज़न है, कुमाऊं डिवीज़न और गढ़वाल डिवीज़न, ठीक है, कुमाऊं डिवीज़न और गढ़वाल डिवीज़न, ठीक है। अगर आपको कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल का द्वार जो कहा जाता है वो काठगोदाम को कहा जाता है, काठगोदाम को। और गढ़वाल मंडल की द्वार की बात करूं तो गढ़वाल मंडल का द्वार कहा जाता है कोटद्वार को, किसको कहा जाता है, कोटद्वार को। अगर कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े शहर की बात करूं तो हल्द्वानी, गढ़वाल मंडल की शहर की बात करूं तो सबसे बड़ा शहर देहरादून, ठीक है। तो ये तो आपका कुछ बेसिक था इसके बारे में। अगर उत्तराखंड में जिलों की बात करूँ तो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, जो आपके 6 जिले हैं कुमाऊं मंडल में हैं, ठीक है। जो कुमाऊं मंडल की जिले की बात करूँ तो नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, और एक है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, एक है आपका उधम सिंह नगर। तो ये जो 6 जिले हैं हमारे, ये जो 6 जिले हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ठीक है, चंपावत, बागेश्वर, ये 6 जिले जो है हमारे कुमाऊं मंडल में। गढ़वाल मंडल की बात करो तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है, ये जो 7 जिले हैं हमारे गढ़वाल मंडल में हैं, ठीक है। तो 6 जिले कुमाऊं मंडल में और 7 जिले हमारे गढ़वाल मंडल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, अगर सर्वाधिक विधानसभा सीटें की बात करूँ तो हरिद्वार में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं हमारी। जो हरिद्वार में विधानसभा सीटों की बात करूँ तो 11 विधानसभा सीटें हैं, और सबसे कम विधानसभा सीटें, तो 3 जिले जो इसके लिए जाने जाते हैं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, ठीक है। इन तीनों विधानसभाओं में दो दो विधानसभा सीटें हैं, कितनी हैं, दो दो विधानसभा सीटें। अगर सर्वाधिक मतदाता वाली लोकसभा सीट देखोगे, जहाँ मत करने वालों की संख्या सबसे अधिक, वो है हमारा हरिद्वार। और सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा सीट की बात करोगे तो अल्मोड़ा हमारा सबसे कम लोकसभा सीट है, ठीक है। अगर राज्य की लंबाई की बात करो आप, तो राज्य की लंबाई क्या है हमारी, राज्य की लंबाई जो है हमारी 385 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर 385 किलोमीटर हमारी राज्य की लंबाई है। और राज्य की चौड़ाई क्या है, राज्य की चौड़ाई है 320 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर 320 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं अगर भारत के स्थान की बात करूं, ठीक है, भारत में कौन सा स्थान है हमारा राज्य जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है, 18वां स्थान रखता है, भारत में 18वां स्थान रखता है। अगर हम प्रमुख तालों की बात करें तो प्रमुख तालों में आता है हमारा भीमताल, नैनीताल, ठीक है, भीमताल, नैनीताल। अगर अगर हम राज्य की सीमा पे, अगर मैं उत्तराखंड की सीमा पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस किस जिलों से होती है, हमारा जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ जिला है जो, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारी नेपाल से, जो पिथौरागढ़ है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारी नेपाल से। अगर स्टेट में अगर हिमाचल की बात करूँ मैं, तो हिमाचल है हमारा राज्य है,
इससे भी हमारी सीमा स्पर्श होती है देहरादून और उत्तरकाशी की। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य से हमारे उत्तराखंड की सीमाएं स्पर्श होती हैं, ठीक है, तो जो हमारा हिमाचल है वो हमारा पिथौर जो हमारा हिमाचल है, ठीक है, हिमाचल हो जो हमारा देहरादून और उत्तरकाशी से इसकी सीमाएं स्पर्श करती, और नेपाल को स्पर्श करने के लिए हमारे जो मुख्य तीन है उधमसिंहगढ़ चंपावत और पिथौरागढ़ हमारे नेपाल को नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं, मतलब नेपाल की से सीमाएं मिलती हैं। अगर सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य, ठीक है, सर्वाधिक जो हमारी जिले से सीमाएं मिलती हैं, सबसे अधिक सीमा मिलती है हमारी उत्तर प्रदेश से, किससे मिलती है, यूपी से। जो सबसे अधिक सीमाओं की बात करूँ, सबसे अधिक सीमाएं हमारी मिलती हैं उत्तर प्रदेश से। अगर राज्य में चीन की सीमा की लंबाई करूँ की बात करूँ जो राज्य में चीन की सीमा की लंबाई की बात करूँ तो 375 किलोमीटर हमारे जो राज्य की सीमाएं हैं चीन से मिलती हैं। अगर चीन की बात करूं तो चीन को स्पर्श जो करने वाले चीन से हमारी सीमा तीन राज्य हैं, जो पिथौरागढ़ हो गया हमारा, चमोली हो गया और उत्तरकाशी हो गया। इन तीन जो राज्य हैं तीन जो ज़िले हैं इनसे हमारा चीन की सीमाएं तिब्बत की सीमाएं टच करती हैं, मिलती हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है तो राज्य का वह जिला जिससे दो देश स्पर्श होते हैं, जो राज्य का वह जिला कौन सा होगा, हमारा पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, जिससे हमारे दो देश स्पर्श करते हैं। अगर नदियों की बात करूं तो शारदा जो हमारे टनकपुर में है, अलकनंदा, काली, भागीरथी, ठीक है, जो ये महत्वपूर्ण हमसे पूछे जाते हैं। अगर मैं धाम की बात करूं तो चार धाम जो हमारे फेमस चार धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये क्या हैं, चार महत्वपूर्ण धाम जो हमसे पूछे जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ केदारनाथ प्रमुख धाम है जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं, यहाँ से दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ, ठीक है, ये फेमस प्लेसेज हैं। तो उत्तराखंड के बारे में जो हमारा बेसिक नॉलेज है, तो इतनी बेसिक नॉलेज उत्तराखंड के बारे में बहुत ज़रूरी होना ज़रूरी है, ये तो हमें बेसिक नॉलेज का उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। एंड पुनः आपको उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।